सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूबर्स लाइफस्टाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कोरियोग्राफर के बारे में जो कि उनके डांस, कोरियोग्राफी और उनके लुक से काफी ज्यादा फेमस है। रियलिटी शोज में तो उन्होंने उनके कोरियोग्राफी से धूम मचा दी है। इनके स्किल्स ने सारे जजेस को इम्प्रेस कर दिया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कांची शाह के बारे में। तो आप में जो भी इनके फैंस है वो वीडियो को एंड तक जरूर देखे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इनका पूरा नाम कांची हेमंत शाह है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1993 को भिवंडी थाने के एक रिच घराने में हुआ था। इनके पिता एक बिजनेसमैन है और इनकी माँ हाउसवाइफ। और कांची उनकी एकलौती लड़की होने के कारण वो काफी ज्यादा लाडली है। इनकी उम्र फिलहाल 2021 के हिसाब से 28 साल है। पेशे से ये एक डांसर, कोरियोग्राफर, मॉडल और यूट्यूबर है। इनकी स्पेशलिटी पॉपिंग, एनिमेशन और रोबोटिक्स डांस स्टाइल में है। इन्हें डांसिंग वर्ल्ड में अपनी पहचान इंडियाज बेस्ट डांसर रियलिटी शो से मिली। इस शो की वजह से उन्हें सब जानने लगे। इन्हें बचपन से ही डांस करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इकलौती लड़की होने के कारण उनके माता पिता भी उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। इन्होंने स्कूल इवेंट्स में डांसिंग में काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इन्होंने इनका टेलीविजन डेब्यू 2016 में जी एंटरटेनमेंट के कॉम्पिटिटिव डांस रियलिटी शो यू थिंक यू कैन डांस से किया। कांची उस शो में टीम स्ट्रीट की मेंबर थी और वो उस शो के टॉप 10 कॉन्टेस्टेंट में से एक भी थी। उनकी डांसिंग स्किल भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। बाद में 2019 में उन्होंने डांस दीवाने डांस के सीजन 2 के लिए ऑडिशन दिया, पर वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। इन्हें काफी सारे स्टूडेंट को डांस सिखाया है और 2021 में वो इंडियाज बेस्ट डांसर शो की पार्टिसिपेंट भी रही। उस शो में वो टॉप 12 कॉन्टेस्टेंट में से एक रही। इनके यूट्यूब पे फिलहाल दिसंबर 2021 के हिसाब से 65,000 सब्सक्राइबर्स है और इनके इंस्टाग्राम पे 27,000 फॉलोअर्स है। बात करें इनके फिजिकल स्टेट की तो इनकी हाइट 5'6" है और इनका वेट 57 kg है। तो आप में से कौन कांची के फैंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।